कुछ भी करके उनके रूम में जाके वो पेन ड्राइव और वो फोटोग्राफ्स आज ही चुरानी होगी ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शास्त्री खानदान का नामो निशान अगर ना मैंने मिटाया तो मेरा नाम ही वंदना ने कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या होगा बेटे, अब तो तेरी गुड़िया तेरे पास है ना, फिर क्यों नहीं खा रहा है तू खाना? गुड़िया की वजह से तो नहीं खा रहा हूँ दादी, ये गंदी बच्ची अब गुड़नी गुड़िया हो गई है। बोल दो 10 इयर्स तक बात नहीं करूंगा। अरे पर क्या हुआ बेटा, ये तो तेरी फेवरेट गुड़िया है ना। दादी अब मेरी बैड गुड़िया है। जानकी जी क्यों नाराज है तुमसे हर्ष? दादी सुनो मैं बताता हूँ आपको, सुनो दादी पता क्या हुआ, देखो ये जो है ना ये मैंने इसके लिए बनाया था गिफ्ट करने के लिए और तोड़ दिया पार्ट ने, और फिर उसने इसका डांटा भी नहीं, और फिर उसको सीक्रेट भी बता रही है और मुझे सीक्रेट नहीं बताया, और मैं वेट कर मुझसे बात नहीं करती और मुझसे खेलती भी नहीं है, तो मैं बनाऊं मुझे बुरा लगेगा ना, तो इसलिए मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने कट्टी हो गया। तो ठीक है अगर ये कट्टी है ना हमारे साथ तो हम भी कट्टी है। ऐसे कैसे? हाँ हम इनसे बात नहीं करेंगे, 20 साल तक बात नहीं करेंगे, इनके कमरे में भी नहीं जाएंगे, इनके साथ खेलेंगे भी नहीं। अरे पर राधा चलो जरा हमारे साथ। अरे पर राधा ये गंदी बच्ची इसके साथ किचन में मत जाओ। जानकी क्या हुआ बेटा, क्यों मैं भी नहीं बात करूंगा, मैं भी 40 इयर्स तक बात नहीं करूंगा। देखे से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तू उसका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा बेटा? दादी आप हमारे बीच में मत बोलिए ठीक है? और ये हमसे 20 साल तक बात नहीं करेंगे ना, आप बोल दीजिए ने हम इनसे 40 साल तक बात नहीं करेंगे। मैं 40 इयर्स तक मैं नहीं करूंगा, तुमको काउंटिंग नहीं आती, मैं 60 इयर्स तक बात नहीं करूंगा। हे भगवान जो भी है हम बात ही नहीं करेंगे। हे भगवान तुम दोनों की लड़ाई में ना मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। तूने इसे नाराज किया है ना, तुझे ही संभालना होगा इसे ठीक है? हम नहीं संभालने वाले। मैं भी कट्टी। दादी हम नहीं संभालने वाले चाहे जो हो जाए। ओह माय गॉड ये तो हमारे घर के अंदर के पिक्चर्स हैं। घर के अंदर के पिक्चर्स और वीडियो होने का मतलब है कि एग्जैक्टली पापा वही तो कह रहा हूं मैं, कोई ना कोई है हमारे घर का जो इससे मिला हुआ है। ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा कौन है जो हमारी बर्बादी चाहता है। अरे उसे भी ढूंढ निकालेंगे। जो आप ये यहाँ पे ना गाड़ी रोकिए। क्या हुआ दी? वो जानकी दी का घर पीछे रह गया, सोच रहे हैं उनसे मिलने। अरे पर अचानक क्या हुआ है? अभी तक तो तुम मना कर रहा था। दीप पटना तक आए और जानकी दी से ना मिले, ऐसे अच्छा नहीं लगता, कितना दुख होगा उन्हें। पर नितिन लंच टाइम हो रहा है और ऐसे वक्त पे किसी के घर पे बिन बुलाए जाना ठीक नहीं होगा। नहीं मतलब उसमें क्या है? मतलब ये नितिन कि जानकी दीदी के ससुराल वाले हमारे ससुराल वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़े लोग हैं भाई, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है वरना घर से ना ऐसे ही बाहर भेज देंगे। हम अब भी कह रहे हैं जानकी दी को एक बार फोन करके परमिशन ले लो। रुक हम ही फोन करते हैं। नहीं नहीं दी आप कॉल मत कीजिए, हम ना उन्हें सरप्राइज देते हैं। आप हमें यही ड्रॉप कीजिए, हम यहाँ से कुछ रिक्शा लेके चले जाएंगे। चल बाय। आपको पता अगर आप खाना नहीं खाएंगे आपके पैर में चोट लगी है, खाना दवा नहीं खाएंगे ना तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, और अगर पैर ठीक नहीं हुआ तो आप खेलोगे कैसे? मुझे नहीं खेलना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, 100 इयर्स से तुमसे बात नहीं करूंगा। तो ठीक है ना बात मत करिए, खाना तो खा लीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्तों के साथ खेलती हो और मेरे साथ नहीं खेलती हो, ऐसे कैसे? तुम मुझसे बात भी नहीं करती और मेरे दोस्तों के साथ बात करती हो, ऐसे मैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब हम किसी और के साथ खेल भी नहीं सकते? नहीं खेल सकते क्योंकि तुम मेरी गुड़िया हो, तुम मेरे साथ खेलोगी ना तो दोस्तों के साथ कैसे खेलोगी? अच्छा ठीक है अब अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, अभी खाना खा लीजिए। अगली बार से नहीं होता, तो कट्टी हो गई हमारी। ठीक है तो खाना नहीं खाना है? प्रॉमिस मैं खाना नहीं खा सकता। ठीक है अगर तुम खाना नहीं खाओगे दवाई नहीं पियोगे तो हम भी तुम्हें वो सीक्रेट नहीं बताएंगे। अच्छा रुको ओके सुनो, इतना डांटती क्यों हो मुझे? मुझे कोई इतना डांटता नहीं है। आ जाओ फिर खाना खाएंगे, मैं खाना खा लूंगा।